हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द कैन इंडिया में। दोस्तों, एक वैकेंसी आई है, भर्ती है, इसके बारे में बताऊंगा, जिसमें जीडी कांस्टेबल और क्लर्क की भर्ती है। उससे पहले बता देता हूं, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन दिया है इस पर क्लिक करें, उसके बाद में जो बेल आइकॉन दिया हुआ है उस पर क्लिक करें। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जीडी कांस्टेबल की और क्लर्क की जो भर्ती आई हुई है उसके बारे में, इसके अंदर एज लिमिट 18 से 25 मांगी हुई है, पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले बता देता हूं दोस्तों से कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे ही आर्मी की ओपन भर्ती होगी सार की, हम अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी बताऊँगा। तो निवेदन आपसे कि वीडियो को अंत तक देखें, आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सी आई एस एफ जो है इसके अंदर वैकेंसी निकली हुई है, इसके अंदर है हेड कांस्टेबल की 429 पोस्ट निकली हुई है। यहाँ पे दिया हुआ है सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट अप्लाई ऑनलाइन फॉर 429 हेड कांस्टेबल पोस्ट। तो इसके अंदर दिया है कि नेम ऑफ द पोस्ट है वो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल है और ऑनलाइन फॉर्म 2019 है। 2019 के अंदर ये इनकी पहली वैकेंसी निकली हुई है, जिसका प्रोसेस भी बहुत जल्दी होगा। इसके बाद में है लेटेस्ट अपडेट जो है ये 21/1/2018 को किया गया है। इसकी जो वैकेंसी है उसमें 429 हेड कांस्टेबल की टोटल पोस्टें दे रखी है। यहाँ पे दिया हुआ है पोस्ट का नाम और योर टोटल वैकेंसीज। यहाँ पे डायरेक्ट मेल कैंडिडेट है उनके लिए 328 पोस्ट है और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 37 पोस्ट है और जो LDCE है इनके लिए 64 पोस्ट। तो इसके अंदर दोस्तों मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों जो है इस भर्ती के लिए आवेदन जो है अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके अंदर मांग रखी है ओनली प्लस टू। जिन दोस्तों ने प्लस टू कर रखी है, सीनियर सेकेंडरी इंटरमीडिएट भी बोलते हैं इसको, तो वो कैंडिडेट जो है इस भर्ती के लिए जो आवेदन है ऑनलाइन वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है इसमें एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट मैं बता देता हूँ, इसकी कम से कम 18 साल उम्र आपकी होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल उम्र होनी चाहिए। जो SC BC OBC कैंडिडेट है उनको जो गवर्नमेंट रूल है उनके अनुसार एज में जो है छूट दी गई है। तो इसके अंदर जो नेक्स्ट है दोस्तों वह है एप्लीकेशन फ़ीस। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस जो है आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं और अगर चलान कटवा के बैंक से कटवाना चाहो तो आप चलान कर सकते हैं पे बैंक के अंदर। तो यहाँ पे दिया हुआ है जनरल और OBC कैंडिडेट है उनको 100 रुपये पे करने हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो आपको सुविधा अच्छी लगे उनके अनुसार आप कर सकते हैं। SC कैंडिडेट है, ST कैंडिडेट है और जो लड़कियां हैं वुमेन यानी फीमेल कैंडिडेट और एक्सरीज मैन, इनके लिए कोई फ़ीस नहीं है इसके अंदर। इनके लिए फ़ीस है वो 0 है और जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए 100 रुपये का चलान दिया हुआ है। तो इसका चलान है पे फी थ्रू द SBI चलान। नेट बैंकिंग है तो आप इससे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड है उनसे आप इसकी जो है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अभी बात करते हैं इसके फिजिकल के बारे में। तो इसका जो फिज़िकल स्टैंडर्ड है उसके अंदर इन्होंने मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। इसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन हमारी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड करके सारी जानकारी और चेक कर सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ फिजिकल के बारे में। इसके अंदर जनरल कैटेगरी में जो कैंडिडेट है मेल कैंडिडेट उनके लिए हाइट है वो 165 सेंटीमीटर है, यानी ये 5.4 और समथिंग है, और इसकी जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर के बीच में मांग रखी है मेल कैंडिडेट के लिए। तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसके बाद में इम्पोर्टेंट डेट दोस्तों, इम्पोर्टेंट डेट मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्टार्ट ऑनलाइन है वो 21/1/2019 को स्टार्ट हुए हैं ऑनलाइन फार्म भरे जाने, और जो इसकी अप्लीकेशन फार्म की लास्ट डेट है वो 20/2/2000 यानी 20 फरवरी 2019 तक जो आप है इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर 10वीं की DMC दोस्तों स्कैन करके अपलोड करनी होती है PDF फाइल के अंदर, तो 10वीं का सर्टिफिकेट ज़रूरी है। इसके बाद में प्लस टू का सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है, इसको भी स्कैन करके वेबसाइट पर अपलोड करना होता है। उसके बाद में आपके आधार कार्ड का नंबर, आधार कार्ड चाहिए आपको, एक आपके पास मेल आईडी होनी चाहिए, उस पर एक नोटिफिकेशन आएगा उसको वेरीफाई करना होता है। आईडी और पासवर्ड जो फार्म का है वो भी मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ही आता है दोस्तों। इसमें नेक्स्ट है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आपका सही होना चाहिए, इस पर जो है उनका मैसेज आता है आईडी और पासवर्ड का।
एक आपकी फ़ोटो होनी चाहिए लेटेस्ट और आपका साइन। ये तो थे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो इसके अंदर अनिवार्य है। और इसकी जो फीस है वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार की ताज़ा नौकरी की जानकारी तुरंत अपने मोबाइल पे चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दिया है उस पर क्लिक करें, उसके बाद जो बेल आइकॉन दिया है उस पर क्लिक करें। जैसे बेल आइकॉन पर आप क्लिक करोगे हम वीडियो अपलोड करेंगे, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।